चलेगा, जो करेगा उसी को पता चलेगा। और दूसरा करें नहीं, यहां से स्टार्ट इसको प्रेस करें जाते हैं इसको खुद ही लगा रहे हैं बुरा बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा आप इसके अंदर डील करेंगे क्योंकि ये वाली बिट जो है हमने ये उसकी लगी हुई है कंक्रीट के लिए या इस तरह से सीमेंट में ड्रिल करने के लिए। अब इसकी हमने स्पीड को कम करना है। ठीक है, तो स्पीड को कम करने से पहले ये ड्रिलिंग वाला ऑप्शन है, अभी तो ड्रिल करेंगे दोनों हाथों से रखना है बिल्कुल ऊपर उसके ऊपर और पकड़ना दोनों हाथों दोनों हाथों से पकड़ना। कितना लोहे निकालने के बिट टूट जाए आपको अंदाजा हो जाएगा। सुराख तो कर रहा सर इसमें भी लड़कियों ने नहीं किया मैंने इसलिए हैमरिंग का सिर्फ यही पर्पस होता है। ठीक है, मशीन ये भी अच्छा पॉइंट है। इनने दो पॉइंट बताया, एक तो नवासत वाला बताया था इन्होंने कि भी ज्यादा अच्छा सुराग करती है, वो हमने अभी चेक कर लिया तो अच्छा ही किया वैसे इनका ये वैलिड पॉइंट। दूसरा क्या बताया? दूसरा कि मशीन जो है वो खुद पावर लगाती है तो आपको स्पार्किंग से नजर आ गया। अब एक दफा दोनों चला के बस दो दो सेकंड के लिए दिखा दें स्पार्किंग हो रही है कि नहीं, अब आपको पता चल जाए। ड्रिलिंग किस पे है? हैमरिंग। अब इसकी देखें स्पार्क ड्रिलिंग में देखें स्पार्किंग की वजह से वो उसका मेन मसला है, लेकिन चूंकि करंट ज्यादा है स्पार्किंग वो आपको देखा है थोड़ा सा फर्क है, वो तो ब्रशेस चूंकि पुरानी भी है मशीन तो उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा ठीक हो गया, तो तीसरा पार्ट इन्होंने भी अच्छा वेल्ड बताया, क्या था? तो उसमें वो रोकते नहीं है, कहते हैं सर इससे कुछ नहीं होता मशीन को ना, लेकिन जब हैमरिंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत काम कर देती है मशीन, इंसान को कुछ इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। हमारा जोर कम लग रहा था तो वो काम ज्यादा कर रही होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्लस मशीन ज्यादा करती है, इसलिए सुराख भी देखे जोर पूरा ही लगाया सेम ही लगाया, लेकिन हैमरिंग में सुराख अच्छा हुआ है और काफी डेप्थ में है। ठीक है, यस एफिशिएंसी बस ठीक हो गए। और आप हैमरिंग में जो करंट वो मशीन की है वो ज्यादा होता है या उतना ही होता है? अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आप बाहर जाओ प्लेटफॉर्म मीटर लेके आओ, अभी चेक कर लेते हैं। सही, मैंने कभी नहीं चेक किया लेकिन आपके सामने चेक कर रहे हैं। जैसे हैमरिंग में स्पार्किंग से ज्यादा हो रहा है करंट, ज्यादा जोर ज्यादा लग रहा है ना, हमारा जोर कम हो गया, सीधी सी बात है ज्यादा हो गया। काटना पड़े क्लैंपर मीटर से करंट चेक करना है हमने, इसके दो वायर है, एक हमने वायर अंदर देखो, ये देखो हमने इसमें जो एक वायर है ना, ये एक का करंट निकालना है इस तरह, समझ आ रही है? इधर तो एक है ही नहीं,
उधर देखोगे एक से एक्सटेंशन भैया जिसमें दो वायर लेंथ लगा हूँ उसके अंदर ये डालते हैं और उसके अंदर लगा देंगे ठीक इससे हमारा निकल आएगा ठीक पॉज कर लेना अभी तो इसको हम करंट पे करते हैं इसका करंट ही चालू है इसका तकरीबन जो है वो इसकी जो मशीन है 1000 वाट की होगी इसको देखें अगर हम तो पुरानी मैंने 2008 की ली हुई है और इसके अंदर कैपेसिटी जो है वो वाटेज में नहीं लिखी हुई ठीक है या वो मिट गई है थोड़ी सी अभी थी तो नहीं है वाटेज ठीक है 1000 भी हो तो करंट हमारा वही होगा एक दो फेयर ही होगा तो सबसे कम वाले पे रख लेते हैं कम वाला इसका जो है ना ये नॉब बनी हुई है इसकी ये नॉब को हमने घुमा के इधर 20 एम्पीयर वाला सबसे कम है तो इस पर रख लेते हैं ठीक है तो 20 एम्पीयर वाले में हमने इसको इधर कर दिया 20 एम्पीयर वाले में ठीक है तो अब हम इसको वो आते हैं अगर तो हम इसको चेक कर लेंगे हाँ दो वायर से ये तरीका ठीक नहीं है इसको फिर टेप करें या कोई प्रॉपर करें लेकिन हम इस पर जुगाड़ से कर लेते हैं ठीक क्योंकि हमने करंट चेक करना है उन्होंने अच्छा पॉइंट चेक किया तो चेक ही हो जाएगा बच्चा वैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको लाइव पे करेंगे या न्यूट्रल पे भी कर सकते हैं तो दोनों पे किसी पे कर लें वही बात कर रहा है ठीक है लेकिन कुछ जगह पे जिस तरह इसको कहते हैं वो ब्रेकर होते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उसमें लाइव हाँ उसमें क्या करते हैं लाइव उसमें जो है वो उसमें यह होता है कि आपकी प्रोटेक्शन होती है हमारी वो भी कोशिश करेंगे हमारे पास है ही नहीं तो वो उसमें यह है कि आप हाथ लगाएं तो फौरन ब्रेक हो जाता है आपका ये जो ब्रेकर लगे हुए ये आपको सेफ्टी नहीं है ये तो सिर्फ अप्लायंस की सेफ्टी है तो वो एक अर्थ लीकेज उसमें यह होता है कि आपका जो लाइव में करंट जा रहा होता है जो लाइव में करंट जाता है तो वो बैक आता है इस न्यूट्रल में सेम ही करंट बैक आता है इसका मतलब है कहीं लीकेज नहीं हो रही लेकिन अगर आप हाथ लगाएंगे मिसाल तौर पर लाइव में जा रहा था लाइव कहीं बॉडी के साथ आ जाए अब बॉडी इसकी शॉर्ट हो गई जिस तरह इसी हो जाती है जिस तरह डेथ हो जाती है तो वो बॉडी अब शॉर्ट है लेकिन बॉडी शॉर्ट है लेकिन करंट कहीं फ्लो नहीं हो रहा बॉडी के अंदर ही है ना बॉडी के बाद न्यूट्रल से वापस आ रहा है अब जब आप हाथ लगाएंगे तो आपने हाथ लगाया तो लाइव से जो करंट गुजर रहा था तो वो थोड़ा सा करंट आपके अंदर से गुजरा तो न्यूट्रल में थोड़ा सा काम हो गया तो ये वो जो ब्रेकर है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ही होता है ना इसका नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB ठीक है तो वो जो है वो क्या करता है इन दोनों के डिफरेंस को सेंस कर रहा है जैसे ही थोड़ा सा मिलो वो भी उसमें माइक्रो में फॉरन ट्रिक होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ वो ट्रिक हो जाएगा तो आपने जैसे आप लगाया बॉडी शॉर्ट थी तो ये वहाँ बड़ा जरूरी है तो बींग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें घर के अंदर ये सेफ्टी के वाले से कोई बच्चा या इस तरह कितने इंसिडेंट हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें अगर रखें सेफ्टी के वाले से तो काफ़ी मतलब उसका ऑफर बिजली मिल जाता है पैसे होने चाहिए फिर इजी मिले कुछ करंट कहीं और पास ले रही है तो लेकिन इस केस में हमारा वो सेम ही होगा न्यूट्रल या लाइव दोनों में चेक कर सकते तो वो तो बहुत कम होता है हमारा मिली एम्पीयर पे हो गया कुछ वो इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा ये कर रहा है ये देखिए इन्होंने जुगाड़ लगाया ये इनके लिए फैन का काम करते हैं बात इतनी ठंडी थी सर्दी है अच्छा इसके अंदर हाँ ये देखिए इन्होंने अच्छा कर दिया ज्वाइंट ये मेरे ख्याल में इससे अच्छा हो सकता है ऐसे अच्छा किया ऐसे बहुत किया ये उसके अंदर ही नहीं जाएगा ये इसको नहीं जाना है भाई क्यों नहीं नहीं ये बड़ा मोटा हो गया ये नहीं जाएगा ना ये नहीं जाएगा आप क्यों टेंशन ले चलो ये हमने
इनके सवाल पे इसका आंसर अभी ज़हन में आया था हमने कहा ये क्वेश्चन का ये था इन्होंने कहा क्या जो हैमरिंग के अंदर करंट ज्यादा ले रही है या फिर हमें स्पार्किंग से ज्यादा था ज्यादा स्पार्किंग का तो करंट ज्यादा ले रही है लेकिन उन्होंने पूछा मैंने कहा चलिए चेक क्लैंप ऑन मिनट्स भी हम चेक करते हैं या ड्रिलें भी ज्यादा ले लिए जाते हैं हां इसके ऊपर अब देना अब हम इसको क्लैंप ऑन मिनट को पकड़ेंगे आप खुद ही आ ठीक है तो उसके किसी भी वायर में लगा दें से चल भी रही है तो आपने प्रेस से उसको उधर जाना है इसके हाथ से क्यों दिए थोड़ा सा डर लग रहा है अच्छा ये देखे ना इस वक्त ये डेली का जाएगा कोई हाथ लग जाए अगर आप किसी जगह अपनी जगह खड़े हो बीच में और किसी लकड़ी वाली जगह पे बिस्तर वैसे बिस्तर के ऊपर जो है चरपाई है या बेड है उसके ऊपर की अगर हाथ लगाएंगे सिलाई को कुछ नहीं होगा नहीं लगेगा अगर निकाल के दिखा सकते हैं नहीं सर गलत हो गया नहीं सर हम नहीं कर सकते हंड्रेड स्टार मिलेंगे करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें कोई लर्निंग हो जाए कोई भी आप देख के आ जाए कहीं से सीख के इधर परफॉर्म कर लें उसके एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको आखिर में हो जाए चले चले आप डील करें कपड़े गंदे होते हैं ये ड्रिलिंग सीख लिया लोगों ने नहीं दोबारा करें सिर्फ स्टार्टिंग में ज्यादा फिर अब आप दूसरी करें ड्रिलिंग करें ऐसे ऐसे चलाना ऐसे चलाना ड्रिलिंग पे अभी हैमरिंग में चले हैमरिंग करें पहले देखना मैक्सिमम 3.5 है और मिनिमम इसका 168 थोड़ा सा कम था ऐसे ही है जोर सही लगाया आपने सेम ही क्योंकि इन्होंने जोर भी अगर थोड़ा चेंज कर दिया तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा ठीक है वो ह्यूमन एरर भी रहा है ना तो तकरीबन सेम ले रही है ऐसे थोड़ा सा फर्क है उसको ज्यादा है इसके बाद लगा के दिखाएंगे खुद ठीक है इसके बाद हर एक में लगाना है ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन करेंगे ठीक है मार्क्स ये लगाएंगे इसका क्या नाम रखेंगे यार ये जो आपने वो लगाए इसको क्या कहेंगे जुगा एक्सटेंशन इसको ड्रिल का क्या नाम दें हाँ ओपन ज्वाइंट फ्रैक्शन ये ज्यादा उन्होंने बता दिया ओपन ज्वाइंट फ्रैक्शन केबल ओपन ज्वाइंट फ्रैक्शन ठीक है हाँ ये हो गया आपका एक फिर दूसरी आपकी ड्रिलिंग होगी ड्रिल नंबर टू है ड्रिलिंग ड्रिलिंग प्लस हैमरिंग ड्रिल मशीन ड्रिल मशीन की दूसरी ड्रिलिंग और तीसरी जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखिए आपने डायरेक्शन भी चेंज करनी है और चौथा स्पीड भी चेंज करनी है ठीक है दो काम रह गए वो भी करना स्पीड आप करें आपने आखिर में
ये बिट चेंज कर दीजिए, ऐसा काम सिर्फ आप नहीं करना है, बाकी लोग बताया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें लेनी चेंज, लेकिन जब सारे ड्रिल यूज कर लेंगे तो आखिर में करना है, ठीक। फिर आपने करंट जो है उसके साथ भाई के साथ उनके साथ जो है हम कट्ठे इधर ही लेंगे, ठीक। हम चेक कर लेंगे, चलो अब डायरेक्शन कैसे चेक कर लेंगे। स्पीड जो है ना इसकी, ये जो गोल सा लगा हुआ है ना, इसको आप एक 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 तरफ मैक्सिमम कर दें, एक तरफ मैक्सिमम कर दें, तो केबल्स की या स्विचेस के बारे में देखते हैं। स्विचेस के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कैसे करना है, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं इधर मेंशन किए हुए कि अगर आपने स्विच को चेक करना है तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, किसी को ऑन ऑफ करना है, तो हमारे उसके लिए सोर्स चाहिए या एक डिवाइस चाहिए जिसको स्विच कहते हैं। स्विच के अंदर देखें तो आपको सिलेक्शन कैसे करनी है, हाउ मेनी कनेक्शंस, कितने कनेक्शन है आपने, क्या चीज़ ऑन करनी है, ऑफ करनी है, कितने कनेक्शन उसके साथ लगाने हैं, स्पेस पे आप करेंगे, इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। व्हाट सोर्स ऑफ एक्चुएशन यू वांट, कहाँ इसको चलाना है, इसके साथ जो मैकेनिकल सोर्स है या इलेक्ट्रिकल सोर्स है या किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स क्या है जिससे आपने इसको ऑपरेट करना है, एक पॉइंट है, दो है, तीन जगह से ऑपरेट करना है, कितनी जगह से आप कर रहे हैं। तो एक्चुएशन इसकी क्या है, पुश है कि एकदम प्रेस करें जिस तरह बेल होती है, घंटी होती है, या एक्चुएशन ये है कि आपने एक दफा ऑन कर दिया तो आ नहीं रहे, या किस कौन सा इसका एक्चुएशन का प्रोसेस होगा। इसी तरह और यू वांट टू माउंट द सर्किट, तो बेड स्विच है तो आपने क्या उसको लटकाना है किसी जगह पे, दीवार के साथ फिक्स करना है, टेबल पे रखना है, किधर लगाना है, उसके हाउ विल बी सेट द स्विच टू बी ट्रिगर, तो आपका जो स्विच है वो ट्रिगर कैसे हो, ठीक है, उसकी ट्रिगरिंग का फिनोमेना क्या हो, ऑपरेट कैसे हो, वो हमने देखा है। हाउ मच वोल्टेज योर सर्किट विल बी यूज, तो कितनी वोल्टेज पे सर्किट आपका ऑपरेट कर रहा है ताकि उस बेस पे हम इसको। तो अब इसके बाद आपके जो टाइप है उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस भी होते हैं और मैकेनिकल स्विचेस भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो है वो तो हमारे आज के एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन उसको अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच यही है सारे, बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, पावर डायोड है, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, IGBT इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रायोड एसी, डायोड एसी, गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर, इस तरह जो है डिफरेंट टाइप्स के। तो ये आप मेटल में सिग्नलिंग में यूज करते हैं या उसकी अगर रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ ये स्विचेस यूज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज करते हैं छोटे लेवल पे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप अगर पावर में जाते हैं, आपकी फील्ड आगे पावर में होगी, तो फिर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप उसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फील्ड है जिसमें यही सर्किट जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये स्विच यूज होते हैं जो कि हाई रेटिंग के होते हैं, ठीक। तो ये यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरे मैकेनिकल स्विचेस हैं जिसके अंदर लैच या मोमेंटरी कैटेगराइज करते हैं। तो लैच का मतलब है ऑन और ऑफ अंटिल न्यू कमांड्स इनिशिएटेड, एक दफा ऑन कर दिया तो ऑन ही होगा। तो जो भी स्विचेस आपके इस कैटेगरी में फॉल करें जब आप चलाएंगे तो वो ये वाले होंगे। इसी तरह जो मोमेंटरी है कि आपने प्रेस किया, होल्ड द स्टेट ओनली व्हेन स्पेसिफिक कमांड इज प्रेजेंटेड, आप प्रेस किया तो ऑन है, जैसे छोड़ा तो ऑफ। तो इस तरह अगर आपने मोमेंटरी है तो इस तरह के जो भी स्विच होंगे आप देखेंगे वो मोमेंटरी में आ जाएंगे। तो इनकी जो दोनों की टाइप्स है वो इस तरह है, सबसे पहले पुश बटन है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप देखें तो स्विचेस अभी जो कुछ हमारे पास है या आपके किसी स्टूडेंट ने बनाए हुए, तो इस तरह आप इस तरह जैसे हमने ये भी स्टूडेंट ने बनाए हुए मैं भी आप भी इस तरह का कोई पार्टिसिपेट करें मैं ले आता। ये कुछ स्विच बनाए देखे कुछ लाए तो काफी ज्यादा है, इसमें अभी कमी है, ठीक है, ज्यादा बन सकता है। तो इसमें देखे पुश बटन ट्रांसफॉर्मर का क्या वो ले आते हैं सर, पुश बटन किधर है, ये पुश बटन स्विच, तो पुश बटन आई देखिए ये पुश बटन, ठीक है, एक इस तरह का भी है, दोनों पुश बटन है। इसको जीरो पे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, वन पे करेंगे तो ऑन, ये जब एकदम प्रेस करें तो ऑन, दूसरी तरफ पहले तो इसको आप देख भी लेते हैं मीटर से कौन आएगा मेरे पास, इसको कंटिन्यूटी भी करें ना, एक बंदा इसको पकड़े और एक इसको कंटिन्यू, आप कंटिन्यू भी करें, ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाए नजर आए, वाइट बोर्ड डाल देना जरा साफ टास्क। अच्छा, इसमें देखें तो इसको कंटिन्यूटी भी करें किस तरह से कंटिन्यूटी की तरह
ये नीचे आखिर में ये कंटिन्यूटी का है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नीचे जो बीप का बना हुआ ना नीचे ये इसमें करे दोस्तों, तो ये आगे कंटिन्यूटी में इसको जरा चार्ट कर, तो ये कंटिन्यूटी पे ठीक है, इससे कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी इसके ही सर्किट में ब्रेक तो नहीं है वो पता चल जाएगा आप पकड़ लें ब्रेक उन्हें नहीं, तो ये पुश बटन है फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एक दफा प्रेस किया, अब हम देखते हैं कि इसके पीछे जो प्रोसेस है क्या है, ये दो पॉइंट यहाँ नीचे हैं दो ऊपर है, इनको आपस में देखते हैं और इनको आपस में चेक करें, चलो कर लेंगे ये आपस में जा रहा है, दूसरा ये ओपन है ठीक है, अभी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ अब देखेंगे वो दोबारा वही शॉट है वही वाला और ये ओपन है, प्रेस करके रखे दूसरे वाला शॉट हो गया और वो ओपन है ठीक है, तो प्रेस करके रखे तो एक कनेक्शन ओपन होता है और दूसरा शॉट होता है, और अगर इसको प्रेस करके छोड़ दें तो एक पहले यानी कि पहले वही रहता है जो पहले वाला एक ओपन और एक उल्टा हो जाता है, प्रेस करके रखे तो कनेक्शन उल्टा हो जाता है, जो शॉट था वो ओपन हो जाता है, ओपन वाला शॉट छोड़ दें तो प्रेस करें या प्रेस करके छोड़ें वो तो सेम अच्छा इस तरह एक तरह ये भी है ये भी कुछ बटन है जीरो वन इसको अगर देखते हैं कराना ये अगर इसको प्रेस करें इसके अंदर वो नहीं है ये देखिए इसका ये सिस्टम है इसके अंदर कंडक्टिंग नहीं है ये कहाँ यूज होगा ये सर ये इसका तो पता नहीं पर पिछला बहुत हाई करंट होता है वहाँ इस्तेमाल होता है किधर होता है मेरे बाबा वावडा में ना तो वहाँ पे सारे बटन यही लगे हुए हैं किसी वो जो फीडर होते हैं ना उनके चलाने के लिए सिर्फ यही बटन इस्तेमाल होते हैं ऑन ऑफ के लिए अगर ये वो के लिए यस एक लाख यस अच्छा तो ये लगे इससे बड़े हैं थोड़े नहीं यही बिल्कुल यही है हाँ तो ये कहाँ यूज होगा फिर चेंज ओवर में यूज होते हैं एक इसकी एप्लीकेशन अभी मैं जाके दिखाऊंगा मशीन लैब में ठीक है इस तरह का लगा हुआ है ये मैग्नेटिक कंडक्टर है साथ क्योंकि इसका काम रेटिंग शेडिंग से तो नहीं है ना इसने जस्ट प्रेस कर रहा है ये देखे ना इसका कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है इसका प्रेस कर रहा है प्रेस करके किसी किसी किसमें हाँ स्टार्टर में भी स्टार्टर में होता है ट्यूबवेल की सर ट्यूबवेल हाँ जी ट्यूबवेल पे लगाता है वो ट्यूबवेल पे होता है ये सब ये आखिरी इन्होंने अच्छा दोबारा होता है वो इसके साथ एक ऑटोमेटिक स्विच भी लगता है स्विच लगता है वो ऐसे होता है कि जैसे किसी इंसान ने वो ट्यूबवेल ऑन कर दिया फिर वो चला गया पानी लग रहा है बिजली चला गई ट्यूबवेल पर फिर बिजली जाएगी दोबारा आने पड़ेगा ऑन करने के लिए लेकिन अगर वो ऑटोमेटिक इसके साथ बटन लगा दे फिर जैसे बिजली आएगी इसे दोबारा नहीं दबाना पड़ता वो खुद ब खुद ही ट्यूबवेल ऑन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो तो और भी हो सकते हैं हाँ ये भी है कुछ पढ़ने ये नॉर्मल